देखिए 90 नंबर क्वेश्चन तो सेम उसी प्रोसेस ही, थ्री कॉलम बनाएंगे और जो डिवाइजर है इसकी इकाई वाली यूनिट डिजिट है वो ऊपर ध्वजांक में जाएगी, ये होगा मुख्य अंक और ये होगा ध्वजांक। ध्वजांक में जितने अंक लिए उतने थर्ड कॉलम में जाएंगे। अब क्या करेंगे अपने 99 तो छोटा है 15 से, तो 92 लेंगे, 92 को 15 से डिवाइड करेंगे मुख्यांक से, क्वेश्चन आएगा 6, रिमाइंडर आएगा 2, क्वेश्चन आया 6 वो यहाँ लिखेंगे, जो रिमाइंडर है वो जस्ट 3 से पहले। अब न्यू डिविडेंट बन गया 23, मॉडिफाइड डिविडेंट निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, न्यू डिविडेंट माइनस ध्वजांक मल्टीप्लाई क्वेश्चन, तो ये हो जाएगा 23 माइनस 6 17। अब जो मॉडिफाइड डिविडेंट आया उसको अपने क्या करेंगे, मुख्यांक से डिवाइड करेंगे 15 से, तो क्वेश्चन क्या आएगा, 1 रिमाइंडर आएगा 2, क्वेश्चन 1 यहाँ लिखा, रिमाइंडर 2 यहाँ लिखा। अब देखिए अपना न्यू डिविडेंट कितना आया 25। अब फिर मॉडिफाइड डिविडेंट निकालेंगे, तो मॉडिफाइड डिविडेंट निकालेंगे तो क्या है, मॉडिफाइड डिविडेंट क्या होता है, न्यू डिविडेंट माइनस ध्वजांक मल्टीप्लाई क्वेश्चन, तो 1 मल्टीप्लाई 1 कितना आएगा 24। अब 24 को डिवाइड करेंगे अपने 15 से, तो कितने पे जाएगा, क्वेश्चन आएगा 1, 15 1 जा 15, रिमाइंडर आएगा 9, तो क्वेश्चन यहाँ और रिमाइंडर यहाँ। अब ये अपना इधर क्या होगा, ये रिमाइंडर बचेगा, तो कैसे 98 ध्वजांक मल्टीप्लाई क्वेश्चन कर देंगे 1 मल्टीप्लाई 1, तो क्या आएगा 97, तो क्वेश्चन आ जाएगा 611 और रिमाइंडर आएगा 97। तो फ्रेंड्स इस तरह से आगे 20 नंबर क्वेश्चन है, तो इसके लिए अपने क्या करेंगे, वही थ्री कॉलम बनाए, फिर डिवाइजर की एक डिजिट इकाई वाली ऊपर जाएगी ध्वजांक में और एक नीचे रहेगा होगा मुख्यांक, तो ये हो जाएगा ध्वजांक ऊपर वाला और नीचे वाला होगा मुख्यांक। तो देखिए तो 91 इसके अपने 91 की एक डिजिट ध्वजांक में ली है, तो जो अपना डिविडेंट इसकी भी एक डिजिट अपने थर्ड कॉलम में चली जाएगी। अब क्या करेंगे, 1 तो छोटा है तो 12 लेंगे, 12 को डिवाइड करेंगे 9 से, क्वेश्चन आएगा 1, रिमाइंडर आएगा 3, तो क्वेश्चन अपना है 1 वो यहाँ लिखेंगे, रिमाइंडर जस्ट 3 से पहले। अब न्यू डिविडेंट क्या बन गया 33, मॉडिफाइड डिविडेंट निकालेंगे क्या होगा 33 माइनस ध्वजांक मल्टीप्लाई क्वेश्चन, ध्वजांक मल्टीप्लाई क्वेश्चन, तो क्या आएगा 32। अब 32 को अपने डिवाइड करेंगे 9 से, तो क्वेश्चन आएगा 9 3 27, रिमाइंडर बचेगा 5, 9 3 27, रिमाइंडर 5 है वो 4 से पहले। अब न्यू डिविडेंट क्या बन गया अपना 54, तो क्वेश्चन क्या आएगा, सॉरी मॉडिफाइड डिविडेंट निकालेंगे तो क्या आएगा 54 माइनस ध्वजांक मल्टीप्लाई क्वेश्चन, तो ये आएगा 51, कितना आएगा 51। अब 51 को डिवाइड करेंगे अपने 9 से, तो क्वेश्चन क्या आएगा 9 5 जा 45 और रिमाइंडर आएगा 6, 9 5 जा 45 और रिमाइंडर आया 6 वो यहाँ। तब देखिए ये अपना क्या रहेगा यहाँ पे, इधर रिमाइंडर बचेगा अपना, तो न्यू डिविडेंट 65 बन गया। मॉडिफाई निकाल लें तो क्या होगा 65 माइनस 15 जा, तो क्या आएगा 60 आएगा, तो ये अपना क्या होगा 60 रिमाइंडर, तो ये हो गया अपना सॉल्यूशन इसका कंप्लीट। 135 क्वेश्चन आए और रिमाइंडर आएगा 60। तो फ्रेंड्स 1.1 के कंप्लीट हो गए ध्वजांक के द्वारा डिवाइड। Thanks for watching. Please like, share and subscribe the channel.